हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ की कॉल्स भी आ रही थी, कुछ बच्चे मुझे मिले थे और कह रहे थे कि सर आप nth डेरिवेटिव हम लोगों को कराएं, हमारी समझ में नहीं आ। तो मैं आज आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर मैथ्स बीटेक का और बीएससी का आपके लिए यहाँ पर nth डेरिवेटिव कराने जा रहा हूँ। तो जिसकी शुरुआत आज से हम लोगों का पहला लेक्चर रहेगा, जहां पर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको nth डेरिवेटिव के एक एक न्यूमेरिकल यहां पर आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे nth डेरिवेटिव के लिए और उसके ऊपर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल जरूर करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं nth डेरिवेटिव। टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y बराबर x की पावर m, मुझे क्या करना है y बराबर x की पावर m का nth डेरिवेटिव यहां पर करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग nth डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो y है वो क्या है, x की पावर m है। अगर मैं आपको इसको कहता हूं कि इसका डिफरेंशियल करिए फर्स्ट टाइम विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप कैसे लिखेंगे dy by dx। तो इसमें क्या होगा, आप जानते हैं कि m बाहर आ जाता है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है x की पावर n n n माइनस 1। तो ये पावर बाहर आ जाएगी और इसमें से एक कम कर दिया जाएगा, जहां पर dy by dx को आप y डैश से लिख सकते हैं या y 1 से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो आप इसे कैसे लिखेंगे, डी का डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसे किसके बराबर लिख सकते हैं आप, वाई या वाई डबल डैश, जिसमें एम कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एम माइनस वन का हम लोग अगर करते हैं तो कैसे करेंगे, एम तो एज इट इज, एम माइनस वन बाहर आ जाएगी और एक्स की पावर में एक कम हो जाएगा इस तरीके से। तो माइनस वन है तो एक कम हो जाएगा तो माइनस का टू बन जाएगा। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई हो। इसी तरीके से अगर हम लोग इसका थ्री टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं, जिसको हम लोग बाई थ्री से लिखेंगे, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा एम, एम माइनस वन, एक्स की पावर एम माइनस टू है वो बाहर आ जाएगी और क्या बच जाएगा, एम माइनस 3 बच्चे। तो इसी तरीके से जब हम लोग इसका n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, m m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 डैश 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 m माइनस n प्लस 1 और x की पावर m माइनस n बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात मैंने लिखी है m माइनस n प्लस 1, क्योंकि जो nth डेरिवेटिव होता है वो एक कम तक आप लोग करते हैं। ठीक है, वो आप एक कम तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर माइनस का 3 है तो आप इसके लिए 2 तक कर रहे हैं, यानी वैल्यू बाहर कहाँ तक आ रही है, 2 तक आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 100 लिखूंगा तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 99 मिलेगी, तो यानी एक कम आपको लिखना है। ठीक है ना, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m कितना होता है, ये होता है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, इफ द वैल्यू ऑफ द m इज इक्वल टू n हो जाए, यदि m का वैल्यू n के बराबर हो जाए तो क्या होगा, y n m as it is, m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 डैश डैश डैश, m n की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, तो m से m कट जाएगा, 1 बच जाएगा और x की पावर m माइनस m रह जाएगा, जहां पर m में से m गए तो x की पावर 0 और जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर होता है 1। तो जिसके लिए ये पूरी बात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपने चीज दिखाई दे रही है m, m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 डैश 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 कहां तक पहुंच गया, 1 तक।
तो यानी ये पूरी बात क्या बन जाता है, m का फैक्टोरियल बन जाता है। अगर आपको फैक्टोरियल पता क्या होता है तो मैं खोल के दिखाता हूं। मुझे 3 का फैक्टोरियल करना है, 5 का फैक्टोरियल करना है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 3 × 2 × 1। इसे कैसे लिखूंगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए एक वैल्यू कम हो रही है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, एक वैल्यू कम होती जा रही है, तो जिसके कारण एनर्जी डेरिवेटिव आपका यहां पर आ जाता है। क्लियर इतनी बात? तो आई होप आपको x की पावर m का एनर्जी डेरिवेटिव यहां पर समझ में। तो इसके लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं आपकी बुक का है। क्या न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, फाइंड द टेंथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 12। एक्स की पावर 12 का आपको क्या करना है, एनर्जी डेरिवेटिव करना है। तो वाई एन आप इसको कैसे लिखेंगे, वाई एन या वाई बराबर कितना है, पहले एक्स की पावर 12 है और कहां का डेरिवेटिव करना है, टेन का डेरिवेटिव करना है। तो जिसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो वाई एन किसके बराबर होगा, एम एम माइनस वन एम माइनस टू डैश 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 एम माइनस एन प्लस वन एक्स की पावर एम प्लस वो एम माइनस एन। ये फॉर्मूला आप लोग सबसे पहले लिख के आए, क्योंकि अगर आपका बाई चांस आंसर गलत आ जाए, अगर आपने फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रखा, तो आपको ऑब्जर्वर क्या करेगा, कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देगा। ठीक है, तो वाई एन की जगह क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, और एम की जगह क्या आ जाएगा, ट्वेल्व, क्योंकि कंपेयर करिए ये लिखा, तो ट्वेल्व, तो ट्वेल्व ट्वेल्व में से गया तो इलेवन आ जाएगा, फिर टेन आ जाएगा डैश 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 12 माइनस 10 प्लस 1 एक्स की पावर 12 माइनस 10, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 डैश 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 12 में से 10 गए तो 2 और प्लस 1 3 और एक्स की पावर 2। तो nth डेरिवेटिव इस तरीके से आपको क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको m x की पावर m का nth डेरिवेटिव यहां पर समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग एक डेरिवेटिव और ले रहे हैं, तो जो डेरिवेटिव आप इस तरीके से होगा कि बता रहे हैं, तो जिसके लिए अगला डेरिवेटिव आता है आपके पास e की पावर ax, y बराबर e की पावर ax का आपको क्या करना है, nth डेरिवेटिव करना है। तो जिसके लिए आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, जिसमें आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, e की पावर ए एक्स, और जो फालतू में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है e की पावर ए एक्स, e की पावर एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो e की पावर एक्स होता है, एक्स्ट्रा में जो लिखा होता है वो बाहर आ जाता है, तो वो बाहर आ गया। अब वाई टू आप लोग करेंगे तो डबल डिफरेंशियल कितना होगा, इतना होगा, ये कॉन्स्टेंट e की पावर ए एक्स एज इट इज, फिर ए एक्स्ट्रा है बाहर आ जाएगा तो ए की स्क्वायर, ऐसे ही वाई थ्री तो ट्रिपल डिफरेंशियल करेंगे, e की पावर ए एक्स का एज इट इज रहेगा, ए फालतू है बाहर आ जाएगा थ्री। तो ऐसे ही करते करते nth डेरिवेटिव पर अगर हम लोग जाते हैं तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ए की पावर एन e की पावर ए एक्स, क्योंकि जितनी बार आप डेरिवेटिव कर रहे हैं ए की पावर उतनी ही चलती जा रही है। तो ठीक है, तो जिसके ऊपर हम लोग यहां पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्या वो न्यूमेरिकल होगा, हमने कह दिया कि आपको टेन डेरिवेटिव करना है e की पावर 2x का, तो वैल्यू क्या होगी, e की पावर 2x, तो जिसके लिए आप लोग लिखेंगे nth डेरिवेटिव a की पावर n e की पावर ax। अब आप कंपेयरिंग करेंगे
ए की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू कितनी है 10, ई की एज इट इज ए की वैल्यू 2x और एन की जगह यहां पर भी क्या लिख देंगे यहां 10। तो आई होप आज की वीडियो में आपको दो एनेट डेरिवेटिव यहां पर सीखने को मिले। अगले वाली वीडियो में हम लोग और एनेट डेरिवेटिव लेके आएंगे, तो प्लीज पहले आप इनको कीजिए और फिर हम लोग आगे कुछ और आपको नया सिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।